आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, शुक्रवार की जुमे की नमाज अपने अपने जनपदों में सकुशल संपन्न कराए अधिकारी, कहीं पर भी ना होने पाए कोई समस्या। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च, लोगों से की वार्ता। कहा, शुक्रवार को जुमे की नमाज होगा सकुशल संपन्न, लोगों ने दिलाया है भरोसा। अग्निपथ योजना के खिलाफ जनपद के युवाओं में भी देखने को मिला आक्रोश। जीरो पॉइंट कालेश्वर पर किया प्रदर्शन, युवाओं ने केंद्र सरकार को संबोधित। ज्ञापन एसडीएम सहजनवा के माध्यम से किया प्रेषित, एसपी नॉर्थ ने कहा, ज्ञापन लेकर समझा बुझाकर युवाओं को कराया गया शांत। गोरखपुर में शुक्रवार को 255 बेटियों के हाथ पीले कराएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में होगा भव्य आयोजन। योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख से अधिक बेटियों का विवाह करा चुकी है सरकार। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत किया गया दंगा नियंत्रण अभ्यास। कहा, शुक्रवार को जुमे की नमाज पर नहीं होने दिया जाएगा जनपद में कहीं कोई समस्या। अराजकता फैलाने वालों के ऊपर की जाएगी कड़ी कार्रवाई, तैयारी है पूरी। कैंपियरगंज पुलिस ने 2 मोटरसाइकिल चोरों को किया गिरफ्तार, 3 चोरी की मोटरसाइकिल किया बरामद, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुधवार को जनसुनवाई के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने 2 थानाध्यक्षों को लाइन हाजिर सहित 4 उपनिरीक्षक को किया निलंबित। कहा, आगे भी जनसुनवाई की चलती रहेगी कार्यवाही, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी पर होगी कार्यवाही। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेमरंजन सिंह ने कहा कि महानगर के विकास के लिए अगले 20 साल के लिए बनाई जा रही है महायोजना, सभी विभागों से लिया जा रहा है सुझाव, सुझाव मिलने के बाद बोर्ड की बैठक करके किया जाएगा पास, 3 महीनों के अंदर ही लोगों को मिलेगा महायोजना का लाभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडल के सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा बैठक। सांसद निधि के बचे पैसों से कार्य करवाने के लिए दिए निर्देश। ड्रोन के माध्यम से एसपीसीटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने गोरखनाथ मंदिर से आसपास के घरों पर रखे ईंट पत्थरों की निगरानी। कहा, जिनके भी घरों पर रखा है ईंट पत्थर उनको हटाने के लिए घरों पर दिया जाएगा नोटिस। देश में बढ़ रही इस्लामिक जिहादी कट्टरता और हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बजरंग दल के प्रांत संयोजक एवं सह संयोजक के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित किया गया ज्ञापन। कहा, रोका जाए किसी को भी जिहादी और देश विरोधी भाषण देने से। गुरुवार से जनपद में परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई हुई शुरू, टीका लगाकर व चॉकलेट देकर बच्चों का हुआ स्वागत। इस भीषण गर्मी में भी बच्चे दिखे काफी उत्साहित। और मौसम पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि अगले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलेगी तेज हवाएं, होंगी छिटपुट बारिश।